हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिल्ली स्वीट पोटैटो की रेसिपी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। पनीर चिल्ली बनाते हैं, इसका प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। इसके लिए हमने दो शकरकंद लिया है, उसे छीलकर धो लिया है। फिर इसे मैं छोटे छोटे काट लूँगी और एक बॉल में हमने लिया है और उसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला, जीरा पाउडर, नमक पाउडर, गोल मिर्च पाउडर और 4 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर डाला है और 1.5 चम्मच हमने मैदा डाला है। नमक भी हमने डाला है फ्रेंड्स, ले नमक थोड़ी कम डाले हैं क्योंकि सॉस डालना है तो सॉस में भी नमक रहता है, इसके वजह से हमने थोड़ी नमक डाला। इसे मिक्स करके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें लाल मिर्ची पाउडर, उसे भी मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। इसे हमें 10 मिनट के लिए ढक के रख दी थी। चलिए 10 मिनट हो गया है, अब कढ़ाई में तेल डाल के मैं इसे फ्राई कर लूँगी। दोस्तों, ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन कलर का हो जाएगा तब मैं इसे निकाल लूँगी। देखिए, थोड़ी थोड़ी गोल्डन हो गया है। इसमें मैं, ये स्वीट होता है इस वजह से मैं इसमें टोमेटो सॉस, अच्छा है टोमेटो केचप यूज नहीं करूँगी। देखिए हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे। इसी तरह मैं पूरे स्वीट पोटैटो को फ्राई कर लूँगी। चलिए, सब फ्राई हो गया है फ्रेंड्स। अब लहसुन डालेंगे, अदरक और मैंने लाल हरी मिर्च को काट लिया था, आप हरा भी ले सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास लाल था, इसे कलर थोड़ी अच्छी लगी इसलिए मैंने लाल वाला ही मिर्च डाली है। बस ज़्यादा नहीं इसे भूनना है। हरी प्याज को भी हमने काट लिया। देखिए, प्याज को रफली काट लेना, शिमला मिर्च को भी हमने डाल दिया। तो आप तो जानते हैं फ्रेंड्स, सब छोटा नहीं कटता, थोड़ा बड़ा बड़ा मैंने रफली काटा जाता है, उसी तरह मैंने काटा है। इसे भी ज़्यादा देर नहीं भूनना है। थोड़ी नमक, सोया सॉस 2 चम्मच, ग्रीन चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस,
दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप एक बार ज़रूर इसे बना के देखें। कॉर्नफ्लोर को मैंने घोल लिया था, उसे भी हमने डाल दिया, थोड़ी पानी दोस्तों। मैंने इसमें टमाटो सॉस नहीं यूज करूंगी क्योंकि स्वीट पोटैटो है, इस वजह से। मैं देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है स्वीट पोटैटो का फ्राई करने के बाद। अब तैयार हो गया है, अब इसमें मैं स्वीट पोटैटो को मिक्स कर दूंगी। बस देखिए है ना बहुत आसान इसे बनाना, तो आप भी इसे एक बार बना के देखें, सभी को बहुत पसंद आएगा। आप तो बनाए होंगे आलू का पनीर का, पनीर का चिली सॉस, चिकन चिली सॉस। आप एक बार स्वीट पोटैटो चिली बना के देखें। चलिए मैं प्लेटिंग करती हूँ। प्लेटिंग करने में हरी प्याज जो डंडी थी मैं उससे भी यूज की हूँ।